राधे राधे दोस्तों, अभी हम लोग आए हुए हैं कालीदह। ये जमुना नदी के किनारे है। पहले जमुना नदी यहीं पर बहती थी, लेकिन कालांतर में ये धीरे धीरे अपना स्वरूप को बदली है, जिसके कारण अभी यहाँ पे पानी आपको नहीं दिखेगा। ये वही कदम का वृक्ष है जिसका हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। इसी वृक्ष से भगवान श्री कृष्ण काली नाग को मारने के लिए जमुना नदी में जंप किए थे और काली नाग को मारे थे और अपना गेंद को लेके आए थे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। करना है चार बार करना है। अच्छा, मैं तो बता रहा है चार बार करना है परिक्रमा है, वो भी बता रहा है। और एक बार होने से मेरा चार बार पूर जाएगा। मनोकामना सिद्धि के लिए देखिए सब चुंडी बांधा हुआ है। चलिए इसी कदम पेड़ में यहीं से जंप किए थे भगवान कृष्ण। हाँ, जमुना जी पहले यहाँ बहती थी। हाँ, अच्छा, इसी कदम का डाली पे कृष्ण भगवान वहाँ से यहाँ जंप किए थे ना। अच्छा, ये कालिया सांप को मारने के लिए बोल ले थे। इतनी जहरीला सांप था, उस दौर में कोई नहीं जा सकता था, जो भी जाता था पानी पिएगा मर जाएगा। हाँ, और यहाँ तो बहुत बहुत दिन से यहाँ पर वास करके रखा था ना। प्राचीन कालिदह मंदिर नीचे लिखे ना, दोनों सब लिखा रहता है। कालिदह मंदिर का दर्शन के पश्चात हम अब निकल चुके हैं यहाँ से आगे के लिए। चलो, बंदर बहुत सारे हैं, बाकी भी हर जाएंगे अब यहाँ से निकलने के बाद। चलो, जय बांकी बिहारी। परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं डेढ़ कदम, तो अंदर तो फोटो खींचना मना है, इसलिए बाहर से ही मैं ये वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ। वाइफ और ससुर जी अंदर घुस गए हैं, मैं भी अभी अंदर जा रहा हूँ, जाके दर्शन करके आता हूँ। अब यहाँ का परिक्रमा खत्म, मंदिर के दर्शन कर लिए, बहुत ही अच्छा लगा, मन में बहुत ही शांति का अनुभूति हुआ भाई। धूप में खा ले इधर इधर यहाँ पर तो ना है। अरे वहाँ से फोटो अच्छा नहीं आएगा। इधर इधर फायर जल रहा है। डेढ़ चरण मंदिर के दर्शन हो गया है, अब आगे का सफर और आगे का परिक्रमा अब शुरू करेंगे। नहीं नहीं, अंदर में मना है, बाहर में नहीं। चले अब अगला परिक्रमा के लिए। ये हमारा इधर गाड़ी है, बैठते हैं गाड़ी में। अभी हम लोग पहुंचे हैं चौरासी खंभा, और ये
दो छोटे छोटे बच्चे मिले हैं जो हमको गाइड करेंगे पूरा चौरासी खंभा के बारे में, ये दोनों से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी हम चौरासी खंभा में हैं और शायद खंभे लगता चौरासी होंगे, इसलिए चौरासी खंभा नाम होगा इसका। क्या है बाबू? मथुरा के लिए गए थे ना कर्ण को मारने के लिए, अपना मुकुट यहाँ पे। ओके, ये छह महीने का छह छह अच्छा ये युधिष्ठिर का सिंहासन है। यहाँ पे पे कहाँ पे? अच्छा, ये विष्णु भगवान हुए। कहाँ? अच्छा, समझे क्या बोल रहा है? और कुछ बता दो उनको। और यहाँ पर शुरू हुआ था, यहाँ पर समाप्त हो गया। चौरासी खंभा है यहाँ पे, हैं? छोटा बड़ा सब मिला के कितना? 102 खंभे है। अच्छा, 84 प्रकार के डिजाइन है। हाँ, अच्छा, इसीलिए 84 खंभा बोलते हैं। एक खंभा है 102। अच्छा, हम्म।